नमस्कार किसान भाइयों, एक हमने पहले वीडियो डाला था कि पानी की वजह से सोयाबीन सूख रही थी। तो अभी 4-5 दिन हो गए पानी गिरते गिरते, और पानी में मतलब जो गिरा तो उसकी वजह से अच्छी खासी नमी भी बन चुकी है जमीन में। तो आज हम आए खेत पे कि ये देखने उसी जगह जो हमने पहले वीडियो बनाया था कि जहाँ सोयाबीन सूख रही थी, तो वही उसी जगह हम आए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पानी गिरने की वजह से अभी फसल में कुछ बदलाव आया या नहीं आया। तो आप खुद देख सकते हो यार कि मतलब पानी गिरने की वजह से सोयाबीन में 1% भी बदलाव नहीं आया। ये जो इसकी जो फली देख सकते हो, ये पूरी तरह से सूख चुकी है। अब इसमें जो ये दाना है, ये जो है इसकी, इससे आगे दाने की ग्रोथ होगी नहीं, क्योंकि जो इसका जो समय था जिस टाइम पे इसको पानी की जरूरत थी तब पानी आया ही नहीं, और जब बाद में आया तो ये सूख गई थी, उसके बाद आया तो ये वैसी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। हाँ, कुछ जैसे जेस वगैरह ऐसी सोयाबीन है तो उनमें कुछ फर्क अपन को पता चल सकता है, बट ये जो सोयाबीन है 95-60 वगैरह, तो इन सोयाबीनों में ऐसा कोई फर्क इस पानी की वजह से नहीं आएगा, क्योंकि ये पहले ही सूख गई थी। तो आप जिस जिन किसान भाइयों ने पहले जो सोयाबीन पिला दी थी, जैसे कि फुहारे के थ्रू या बोरवेल के थ्रू, तो उनको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई पिला रहे हैं तो जो फुहारे के थ्रू जिन्होंने पिलाई थी उनको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और ये जो सोयाबीन है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा था पहले भी, और अभी जो पानी गिरा उसकी वजह से भी कोई बदलाव देखने, क्योंकि ये पहले ही सूख गई थी। तो ये कम से कम 20 बीघे के लगभग ये प्लॉट है। तो आप देख सकते हो यार, इसमें मतलब पूरी तरह से सोयाबीन ये सूख चुकी है। ये आप देखोगे तो ये देखो, पूरी सोयाबीन पूरी तरह से सूख चुकी है, इसमें पानी की वजह से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो सोयाबीन जो अभी पानी की वजह से जो जेस वगैरह सोयाबीन उनमें क्या बदलाव देखने को मिला है। तो आप खुद आइए और देखिए, चलो आयो। तो आप ये सोयाबीन देखो, इसमें आप पानी की वजह से क्या बदलाव देखने को मिला है। तो इसमें जो अभी जो ये फली है, ये अभी भी मतलब हरी भरी फली है, और इसमें जो दाना है ये आप देख सकते हो, ये इसमें दाना भी बिल्कुल हरा भरा ही दिख रहा है, और वो जो सोयाबीन मैंने आपको दिखाई थी उसमें दाना सूख चुका है। तो यार जो उसके दाने की जो शाइनिंग है वो भी वैसी नहीं है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि यार जिन जिन लोगों की सोयाबीन सूख चुकी है उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा देने की कोशिश करें, और जल्दी से जल्दी आप निरीक्षण करवाइए, ताकि जिन किसान भाइयों को अभी जो नुकसान झेलना पड़ा है तो उसके लिए कुछ मुआवजा देने की कृपा करें। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, जरा शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और हाँ, आप भी सरकार से इसकी मांग जरूर करना, ताकि जल्दी जल्दी किसानों को मुआवजा मिल सके। थैंक यू।